एवरीवन, आई एम शिखा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं डीबीटी जीआरएफ के न्यूमेरिकल्स, जो डीबीटी जीआरएफ में पार्ट ए में ऑलवेज पूछे जाते हैं। सो डीबीटी जीआरएफ के न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन है मोनोड इक्वेशन, मोनोड मॉडल। मोनोड इक्वेशन से, मोनोड मॉडल से एवरी टाइम डीबीटी जीआरएफ में पार्ट बी में एंड पार्ट ए में क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। एंड वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, उससे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। मोनोड इक्वेशन, मोनोड इक्वेशन एक मॉडल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिफाइन करता है। मोनोड इक्वेशन एक मॉडल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिफाइन करता है। क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सब्सट्रेट देंगे, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंक्रीज होगी। देन हम सब्सट्रेट ऐड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और इंक्रीज होगी। देन हम और सब्सट्रेट ऐड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और इंक्रीज होगी। बट एक ऐसा सैचुरेशन पीरियड आएगा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। क्यों स्टेबल हो जाएगी, अब उनकी एफिनिटी सब्सट्रेट के लिए खत्म हो गई है, अब वो और ग्रोथ नहीं शो करेंगे। सो फर्स्ट सब्सट्रेट को इंक्रीज करते हैं, म्यू इज ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ रेट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो इंक्रीज होता है। देन हम सब्सट्रेट को अगेन इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ रेट अगेन इंक्रीज होता है। सब्सट्रेट को और इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ रेट और इंक्रीज होता है। बट एक पीरियड ऐसा आता है जब उनका ग्रोथ रेट इंक्रीज होना बंद हो जाता है। सो इसको बोलते हैं म्यू मैक्स, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, एंड दैट इज म्यू ग्रोथ रेट, दैट इज सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैक्सिमम ग्रोथ रेट से हाफ ग्रोथ रेट होता है। मीन्स इन बिटवीन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ रेट, जब तक मैक्सिमम ग्रोथ रेट ने अचीव किया, उसके मिड में एक ऐसा पॉइंट आया जब ग्रोथ रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाफ था बिल्कुल मैक्सिमम के। जब ग्रोथ रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाफ था मैक्सिमम के, उस पॉइंट पे जितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जितना सबस्ट्रेट हम दे रहे हैं, उसको बोलते हैं केएस। मीन्स ऐसा पॉइंट जब ग्रोथ रेट हाफ था मैक्सिमम ग्रोथ रेट के, उस पॉइंट पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को केएस बोलते हैं। सो वन इज म्यू ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यू मैक्स मैक्सिमम ग्रोथ रेट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, केएस सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जब ग्रोथ रेट हाफ था मैक्सिमम के। सो ये हमारे फोर पैरामीटर्स हैं मोनोड इक्वेशन के। सो मोनोड इक्वेशन का फॉर्मूला है ये, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय केएस प्लस सबस्ट्रेट। ये मोनोड इक्वेशन का फॉर्मूला है। सो जो भी डीबीटी जीआरएफ में क्वेश्चंस आते हैं वो मोनोड इक्वेशन के इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आते हैं। जस्ट हम एक 2019 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो मोनोड इक्वेशन से डीबीटी जीआरएफ के एग्जाम में आया। सो ये क्वेश्चन है, उसमें हमें गिवन था कि म्यू मैक्स जो है वो 0.6 पर आर है, केएस 4 ग्राम पर लीटर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर है, एंड हमें म्यू फाइंड करना है। सो कैसे म्यू फाइंड करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स सबस्ट्रेट केएस प्लस सबस्ट्रेट। सो म्यू मैक्स इज 0.6, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज 2, KS is 4 and substrate concentration is 2. 2 divided by 6, 3.6 divided by 3.2 means 0.2 per hour हमारी growth rate आ गई है। means जो organism की growth rate है वो 0.2 per hour के according। सो मोनोड इक्वेशन के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली एक कैलकुलेशन से, एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन डीबीटी जीआरएफ न्यूमेरिकल्स में एवरी टाइम आता है। इफ आप डीबीटी जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उन फॉर्मूलेस को एक बार देख के जा सकते हैं इस वीडियो सीरीज से, और बहुत ईजिली पार्ट ए में डीबीटी जीआरएफ में मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।